हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ खास एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने का आसान तरीका सीखेंगे, कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। और ये खास एंगल क्या क्या है तो क्लास 10 में आपको पढ़ना है। जो एंगल वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री को आप 0 लिख सकते हैं, 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3 और 90 डिग्री को पाई बाई 2, जहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री और यहाँ पाई रेडियन में होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 180 पुट करिएगा और 6 से डिवाइड करिएगा 30 हो जाएगा, 180 पुट करके 4 से डिवाइड करिएगा 45 हो जाएगा, 180 पुट करके 3 से डिवाइड करिएगा 60 और 180 पुट करके 2 से डिवाइड करिएगा तो 90। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो 1/2, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा तो 1, पाई बाई 4 का मतलब कितना, यहाँ देखिए पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो टेन 45 कितना होता है 1। तो ये वैल्यू हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीली हम लोग निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग इजीली निकाल पाइएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इन सभी का प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे ये 1/2, 1 या जो भी जितने भी एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले रफ पेज में इसको बना लीजिएगा, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो। उसके बाद एंगल्स लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 और 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। इसको कॉलम बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो उसको हम लोग लिख देते हैं, कितने होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो ट्रिक है, ट्रिक में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले आप एंगल्स जो है उसको लिख दीजिए। चलिए हम लिख दिए। अब 0 से शुरुआत है तो हम लोग 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप में डिवाइड कर दिए और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि सभी को स्क्वायर रूट सब पर लगा देंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0/4 हो जाता है 0। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, रूट 0 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना होगा 1/√2, ये √3/2 और ये 4 से 4 कट के कितना आ गया 1, मतलब √1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो देखिए ये जो आपको वैल्यू मिला ना, इसमें आपको यही समझना है ट्रिक में कि इधर से आप चलिएगा तो ये साइन का वैल्यू होगा और इधर से चलिएगा तो ये कॉस का, मतलब साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 90 1। उसी तरह से कॉस 0 1, इधर से आप उल्टा हो जाइएगा, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो चलिए इसको हम कॉलम में नोट कर लेते हैं। तो इधर से हम लोग लिख लेते हैं साइन के वैल्यू में, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और इधर से हम लोग कॉस में लिख लेते हैं, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन कॉस का तो निकल गया, अब बचा टेन। तो देखिए टेन में एक फार्मूला आपको हम बताए थे, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब हमें टेन 0 का अगर वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा में 0 हुआ तो यहाँ भी थीटा की जगह 0, यहाँ भी थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, मतलब साइन 0/cos 0। और यहाँ देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री है और कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो हम पुट कर देंगे 0/1 और 0/1 कितना 0। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि
कि जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर जीरो होता है एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड भी बोलते हैं या इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तब तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए टेन जीरो हम लोग फाइंड कर लिए, कितना था टेन जीरो, जीरो है, यहाँ से लिख दिए जीरो। अब टेन थर्टी, तो इसी तरह से टेन थर्टी भी निकालेंगे। तो यहाँ थीटा के जगह थर्टी पुट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी थीटा के जगह थर्टी पुट करेंगे और यहाँ भी थीटा के जगह थर्टी पुट करेंगे। साइन थर्टी कितना है, तो साइन थर्टी देखिए वन बाई टू, और कॉस थर्टी कितना है तो रूट थ्री बाई टू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया वन बाई टू बाई रूट थ्री बाई टू, ये टू टू कट गया, कितना हो गया वन बाई रूट थ्री। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वन बाई रूट थ्री। अब अगर आप लोग ये जो हम रूल बताएं आपको इसको सीख लिए तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। हमको करना क्या है, साइन और कॉस को डिवाइड करना है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस उस एंगल के लिए। तो देखिए यहीं से डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे टेन फोर्टी फाइव निकालना है इस एंगल का, ठीक है। तो हम यहीं पे ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये डिवाइड का साइन है, टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू साइन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फोर्टी फाइव, ये देखिए कट के कितना आ गया वन, इसको हम वन लिख दिए। अब हमें टेन सिक्सटी निकालना है, तो साइन सिक्सटी डिवाइडेड बाई कॉस सिक्सटी, टू से टू कट गया, कितना हो गया रूट थ्री। अब यहाँ पे टेन नाइन्टी, तो वन बाई जीरो एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, समझ गए। तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चा कॉसेक सेक एंड कॉट, तो देखिए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसी का हम लोग उल्टा करके रेसिप्रोकल निकाल के लिख देंगे। जैसे अगर हमें कॉसेक जीरो निकालना है तो कॉसेक थीटा क्या होता है वन बाई साइन थीटा, मतलब जैसे कि अगर आपको बताए थे कि साइन थीटा अगर थ्री बाई फाइव है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा ठीक इसका उल्टा फाइव बाई थ्री। उसी तरह अगर कॉसेक जीरो निकालना है तो साइन जीरो का उल्टा होगा, तो साइन जीरो कितना है जीरो, यहाँ पे देखिए साइन जीरो का वैल्यू जीरो है ना। और कॉसेक जीरो निकालना है तो हमको इसका अपोजिट कर देना है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में जीरो बाई वन या जीरो बाई एनी नंबर, और जब इसको उल्टा लिखेंगे तो कॉसेक कितना वन बाई जीरो। और यहाँ देखिए एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक जीरो कितना मिल गया नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको नॉट डिफाइंड। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि जीरो का उल्टा क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, यहाँ जीरो है और इसका उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड। तो आगे भी कहीं जीरो मिलेगा उसका उल्टा करना होगा तो नॉट डिफाइंड कर देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ से समझ लीजिए कि अगर नॉट डिफाइंड है दिया हुआ, जैसे अगर नॉट डिफाइंड किसी का है तो इसका मतलब क्या एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो, नॉट डिफाइंड का मतलब यही होता है ना। अब इसको उल्टा करना है तो कितना लिखेंगे जीरो बाई वन, तो कितना हो जाएगा जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको समझ गए। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब कॉसेक थर्टी है तो साइन थर्टी वन बाई टू, तो इसका उल्टा कितना टू, कॉसेक फोर्टी फाइव तो साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, तो इसका उल्टा रूट टू। फिर है कॉसेक सिक्सटी, तो साइन सिक्सटी का उल्टा हो जाएगा, ये है रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। फिर कॉसेक नाइन्टी, तो साइन नाइन्टी का उल्टा वन, वन का उल्टा वन ही होगा, वन बाई वन करिएगा तभी, अगर इसको उल्टा करिएगा तभी तो वन ही होगा ना। अब बचा सेक, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस देखिए यहाँ पे वन है तो वन का उल्टा वन, ये रूट थ्री बाई टू है तो इसका उल्टा टू बाई रूट थ्री, यहाँ वन बाई रूट टू है तो इसका उल्टा रूट टू, यहाँ वन बाई टू है तो इसका उल्टा टू, यहाँ जीरो है तो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, अभी आपको बताए थे। अब है कॉट, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, वन बाई रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन का उल्टा वन, रूट थ्री का उल्टा वन बाई रूट थ्री, और नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो। ये आपका सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे करना है।
अब जब आप इसको सीख चुके हैं तो हम एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं तुरंत जल्दी से, कैसे आप लोग जल्दी से इसको लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम ड्रा कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे टी रेशियो, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, उनको लिख लेंगे हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब ट्रिक में आपको क्या बताए थे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में सबको स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, ये दो बार में कट गया, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और इसका वैल्यू 1। तो इधर से लिख देंगे तो साइन का वैल्यू मिल जाएगा, तो लिख देते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इधर से लिख देंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, लिख देते हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन निकालना है तो साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस करेंगे 0/1, 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3, फिर 1/√2, 1/√2 डिवाइड करेंगे 1, ये 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा √3 अगर डिवाइड करेंगे, 1/0 कितना नॉट डिफाइंड। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा कितना नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा कितना 2, 1/√2 का उल्टा कितना √2, √3/2 का उल्टा कितना 2/√3 और 1 का उल्टा कितना 1। और कॉसेक का अपोजिट सेक होता है, तो 1 का उल्टा कितना 1, √3/2 का उल्टा कितना 2/√3, 1/√2 का उल्टा कितना √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब लास्ट बच गया कॉट, तो 10 का अपोजिट कॉट होता है, 0 का उल्टा कितना नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा कितना √3, 1 का उल्टा कितना 1, √3 का उल्टा कितना 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना 0। तो उम्मीद है आप लोग इसको सीख गए कि कैसे बनाना है। जब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा तो पीछे रफ में पहले इसको लिख लीजिएगा, इससे आपको टेंशन नहीं रहेगा कि इसको याद भी करना है और आप क्वेश्चन को इजीली बना पाइएगा। और ये जो हम आपको बताएं साइन 0, 30, 45, 60, 90, कॉस का सभी एंगल का वैल्यू, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आपको ट्रिक बताएं, ये क्या है, ये आपका ट्रिक है कि कैसे इसको याद रखना है। लेकिन ये सब वैल्यू आता कैसे है उसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि साइन 0, 0 क्यों होता है, साइन 30, 1/2 क्यों होता है, साइन 45, 1/√2 क्यों होता है, टेन 45, 1 क्यों होता है, ये जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।